हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। मैं आपका दोस्त विजय लेकर आया हूं आपके लिए एक काफी इंटरेस्टिंग और एक काफी नॉलेजेबल वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कुछ ऐसी पॉपुलर कंट्रीज के बारे में जो आईटी प्रोफेशनल, ग्राफिक डिजाइनर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोगों के बीच काफी पसंद की जाती है। तो अगर आप इन सेक्टर के अंदर काम करते हैं तो ये कंट्री आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इसके साथ इन कंट्रीज के अंदर आपको एवरेज सैलरी के रूप में कितने पैसे दिए जाते हैं उसके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 7, न्यूजीलैंड। दोस्तों, वैसे तो न्यूजीलैंड कंट्री को एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जहां पर एक काफी स्टेबल इकोनॉमी देखने को मिलती है। यह कंट्री फॉरनर्स के लिए काफी सेफ एनवायरनमेंट प्रेजेंट करती है। काफी समय से यह कंट्री टेक प्रोफेशनल्स के बीच काफी पसंद की जाती है। तो वे सभी लोग जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर काम करते हैं उनके लिए यह कंट्री एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। न्यूजीलैंड कंट्री के अंदर आईटी प्रोफेशनल्स को एवरेज सैलरी के रूप में करीब 55,000 यूएस डॉलर की एनुअल सैलरी दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सभी करेंसी कैलकुलेशन को यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट करके बताया गया है। नंबर 6, जर्मनी। जर्मनी देश अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए काफी पसंद किया जाता है। इस देश के अंदर काफी सारी जॉब इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर आती है। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल कुछ ऐसी पॉपुलर इंडस्ट्रीज इस कंट्री के अंदर मानी जाती है जिनके अंदर काम करने वाले लोगों को काफी अच्छी सैलरी मिलती है। इसके साथ ही जर्मनी कंट्री के अंदर आपको काफी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है जिनके अंदर आप पढ़ाई करके इस कंट्री के अंदर जॉब कर सकते हैं। अगर बात करें इस कंट्री के अंदर मिलने वाली एक एवरेज सैलरी की, तो आईटी प्रोफेशनल को इस कंट्री के अंदर करीब 47,000 यूएस डॉलर की एवरेज एनुअल सैलरी दी जाती है। नंबर 5, यूके। यूनाइटेड किंगडम आज के समय एक ऐसी जॉब डेस्टिनेशन के रूप में देखी जाती है जो टेकीज को अपने तरफ काफी अट्रैक्ट करती है और हर साल इस कंट्री के अंदर काफी सारे वर्क वीजास इन्हीं सेक्टर में काम करने वाले लोगों के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं। इसके साथ ही देश के अंदर काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको स्पॉन्सर वीजा प्रोवाइड कराती है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर एवरेज सैलरी के रूप में करीब 37,806 यूएस डॉलर की एवरेज एनुअल सैलरी दी जाती है। नंबर 4, जापान। जापान देश हमेशा से ही अपने इंस्ट्रूमेंटल और अपने ग्लोबल टेक सेक्टर के लिए काफी पसंद किया जाता है। इसके साथ ही देश को एक वेल्थीएस्ट नेशन के रूप में देखा जाता है। साथ ही जापान देश के अंदर काफी सारी जॉब वैकेंसी केमिकल, डेटा, एआई डोमेन और मैकेनिकल सेक्टर के अंदर आती है जिनके अंदर काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। बात करें अगर इस कंट्री के अंदर दी जाने वाली एक एवरेज सैलरी की, तो आईटी प्रोफेशनल इस कंट्री के अंदर इजीली करीब 30,000 यूएस डॉलर की एनुअल सैलरी ले सकते हैं। नंबर 3, कनाडा। दोस्तों, यह कंट्री हम इंडियंस के बीच काफी पसंद की जाती है। इसके साथ ही साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आने वाली सभी कंट्रीज के लोग इस कंट्री को काफी पसंद करते हैं। कनाडा कंट्री के अंदर काफी सारी यूनिवर्सिटीज आज के समय ऐसी है जहां पर आप पढ़ाई करके इस कंट्री के अंदर जॉब कर सकते हैं। इसके साथ ही कनाडा कंट्री की काफी कंपनी आपके सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब प्रोवाइड कराती है। इस देश के अंदर फॉरनर्स के लिए काफी सेफ एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। अगर बात की जाए इस कंट्री के अंदर मिलने वाली एक एवरेज सैलरी की, तो आईटी प्रोफेशनल को इस कंट्री के अंदर करीब 46,405 यूएस डॉलर की एवरेज एनुअल सैलरी दी जाती है। नंबर 2, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड कंट्री को एक ऐसी कंट्री के रूप में देखा जाता है जो टेक प्रोफेशनल के बकेट लिस्ट में हमेशा से ही अपनी जगह बनाती है और सभी टेक प्रोफेशनल इस कंट्री के अंदर जाकर काम करना चाहते हैं। साथ ही स्विट्जरलैंड देश को एक वेल्थीएस्ट कंट्री के रूप में देखा जाता है जहां पर आपको काफी अच्छी इकोनॉमी देखने को मिलती है और यही कारण है कि आईटी सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोगों को इस कंट्री में सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है। स्विट्जरलैंड देश के अंदर आईटी प्रोफेशनल इजीली करीब 80,000 यूएस डॉलर की एनुअल सैलरी ले सकते हैं। नंबर 1, यूएसए। दोस्तों, यूएसए देश हमेशा से ही अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और यहां पर काफी ज्यादा ग्लोबल क्राउड इन्हीं सेक्टर के अंदर काम करने जाता है। पर आज के समय इस कंट्री के अंदर काम करने के लिए आपके पास एक H1B वीजा होना जरूरी है और इस तरह के वीजा को लेना आज के समय थोड़ा डिफिकल्ट बताया जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हर साल इस तरह के वीजा के लिए काफी ज्यादा एप्लीकेशन दिए जाते हैं और ज्यादातर एप्लीकेशन इंडिया कंट्री से किए जाते हैं, जिसकी वजह से भारत के नागरिकों को इस तरह के वीजा को लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बात करें अगर इस कंट्री के अंदर दी जाने वाली एक एवरेज सैलरी की, तो आईटी प्रोफेशनल को इस देश के अंदर करीब 68,000 यूएस डॉलर की एवरेज सैलरी दी जाती है।
दोस्तों अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इसी तरह की काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।